क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने सभी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूँ कि तू इंतजार करेगी, रोज बुआई काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज से दिखाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे। ये निश्चित है। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज, एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या सीता को नहीं छुड़ा सकते? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था, उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगर कुछ प्रेरणा मिली है, अगर कुछ आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है, ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, खुद कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग शिवर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो, और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं, हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें और उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहते हैं। शिव महापुराण की दो बातें अपने अंदर उतारना है, पहला शिव का नाम लेते रहो और दूसरा दूसरे का सम्मान, जम के बोले जरा, सम्मान करते रहो। सेड़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है और सम्मान करने वाला व्यक्ति अपने उसी सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना, आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कन्या, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए सोइए। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अर्जुन के तो बोला, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी। सत्य को कोई छुपा सकता है। मेरे भगवान देवज्ञ महादेव, मेरे शिव जी को दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा शब्द बोले जाते हैं जो, तो शंकर भगवान को बोले जाते हैं। बोलो सही है, क्या कहते हैं? गंजेड़ी है, फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद,
बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है, फिर किसी ने कह दिया अवधूत है, फिर किसी ने कह दिया अघोरी है, फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे, ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे, उन्होंने आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया। हे शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात। शिव तो भी प्रसन्न है, दुनिया में किसी को इतनी अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवजी के महादेव को अपशब्द कहे गए, दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवजी के महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं, उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर उठकर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बिलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आपके देवजी देव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना।